हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो हम आइडियल स्टूडेंट हिंग सपोर्ट यानी पिछले क्लासेस में समझेंगे समझे थे कि अगर बीम में बीम के इंटरनल पार्ट में कहीं भी अगर सपोर्ट के बीच में मेरे दोस्तों अगर हिंज आ जाए, रोलर आ जाए, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। हमने ये अच्छे से समझे थे कि बिहेवियर उसका रिजिड की तरह हो जाता है, यानी जितना एंगल पे मेंबर सब यानी कि बीम से जितना भी मेंबर कनेक्टेड होंगे वो सभी के सभी मेंबर मेरे दोस्तों इक्वल एंगल के साथ रोटेट करेंगे। सो आज जानते हैं, आज का क्लासेस आपका लास्ट है, क्योंकि देखिए हम पिछले ही वीडियो में पिछले ही क्लास में आप लोगों का बोले थे कि आज का एसएफटी पीएमडी का लास्ट क्लास है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट्स आ रहा था कि सर एक और क्लास एसएफटी पीएमडी यानी हम कैसे शियर फोर्स डायग्राम कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का बनाए और अच्छा से क्लियर कर दीजिए। तो आज का क्लासेस आपका लास्ट होगा मेरे दोस्तों। आज ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। सो हम समझते हैं सबसे पहले कि हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है। पहले बातों को ध्यान से सुना करो, फालतू फालतू का कमेंट्स करने पर ध्यान मत दिया करो मेरे दोस्तों। हम कैसे एसएफटी बीएमडी बनाएंगे, सबसे पहले इसको बनाने के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। अगर मेरे दोस्तों देखिए, अगर हम बनाते हैं एसएफडी, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम मेरे दोस्तों सिर्फ एसएफडी का डिमांड है तो एसएफडी बनाने के लिए हमको सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत होता है और किसी भी तरह के बीम हो आई डोंट मैटर। यानी मेरे दोस्तों हमको एसएफडी बनाने के लिए यानी कि एसएफडी मीन शियर फोर्स डायग्राम कितना को तो फुल फॉर्म में भुला गया होगा हमको लगता है यार तुम लोग ना। देखो एसएफडी के मतलब होता है और बीएमडी का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है, पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में हम समझ लेते हैं। एसएफडी मतलब मेरे दोस्तों शियर फोर्स डायग्राम। एसएफडी के मतलब मेरे दोस्तों शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी के मतलब मेरे दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बात को ध्यान समझने की कोशिश किया तो एसएफडी के मतलब मेरे दोस्तों शियर फोर्स डायग्राम और बीएमडी के मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। तो मेरे दोस्तों हम जानते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए मेरे दोस्तों यानी बीएमडी ड्रा करने के लिए हमें किसी भी बीम का बेंडिंग मोमेंट रिक्वायरमेंट होता है। यानी हम अगर शियर फोर्स डायग्राम केवल बना रहे हैं तो हमें चाहिए सपोर्ट रिएक्शन और उस पे लगने वाले शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट चाहिए। अब मेरे दोस्तों हम आपको ये भी बताए थे कि इन ये सभी ड्रा करने के लिए मेन आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। ये सब ड्रा करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अगर डायरेक्शन को समझ जाए। सपोर्ट रिएक्शन तो चुटकियों का खेल है, फोर्स उन्हें अपोजिट डिस्टेंस बटा टोटल डिस्टेंस से निकल जाता, लेकिन बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो जब भी आप एसएफडी बनाएंगे, जब भी आप एसएफडी में सपोर्ट रिएक्शन निकालिएगा मेरे दोस्तों, तो उस सिचुएशन में आप एसएफडी बनाते समय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्लॉकवाइज जा रहा है लोड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, लोड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के अपोजिट दिशा में। यानी शियर फोर्स में सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय मेरे दोस्तों डायरेक्शन देखना है हॉगिंग और सैगिंग। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय मेरे दोस्तों हॉगिंग एंड सैगिंग को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि हॉगिंग सैगिंग क्या है। अगर हॉगिंग सैगिंग बताए थे कि बीम किस तरह से हॉगिंग करता है, बीम किस तरह से सैगिंग करता है, बट वो थोड़ा लेंदी आप लोग के लिए था। तो आप लोगों को डायरेक्ट हम बताए थे कि अगर लोड के डायरेक्शन अपवर्ड है मेरे दोस्तों तो वह सैगिंग होगा, और सैगिंग के सिचुएशन में हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और लोड का डायरेक्शन अगर मेरे दोस्तों डाउनवर्ड होगा तो उसको हॉगिंग कंसीडर करेंगे, और हॉगिंग के सिचुएशन में हम निगेटिव कंसिडर करेंगे मेरे दोस्तों। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी बेंडिंग मोमेंट में हॉगिंग और सैगिंग के ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। मीन्स हॉगिंग मीन्स मेरे भाई, हॉगिंग मीन्स हम माइनस डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, और बात करें अगर हम मेरे दोस्तों सैगिंग की, तो सैगिंग में हम पॉजिटिव डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे।
यानी बेंडिंग मोमेंट में सिर्फ आपको लोड का डायरेक्शन समझना है और शियर फोर्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यही पॉइंट था मेरे दोस्तों आपको समझना है शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में। और उसमें मेरे दोस्तों हम कुछ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट बताए थे आप लोगों के कि अगर आपका लोड अगर बीम पे किसी तरह का बीम है उस पे लोड अगर पॉइंट लोड कंसिस्टेटिक लोड आ रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम आपका जीरो डिग्री मीन्स रेक्टेंगुलर होगा और आपका बीएमडी वन डिग्री मीन्स ट्रेंगुलर होगा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज जीरो डिग्री व्हाट इज वन डिग्री। जीरो डिग्री मीन्स मेरे दोस्तों रेक्टेंगुलर और वन डिग्री मीन्स ट्रेंगुलर। अब बात करते हैं हम टू डिग्री मीन्स पाराबोला और थ्री डिग्री मीन्स, ये सब का कॉमन नाम है। वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री इस तरह से आते हैं। अब बात करें आपको बताए थे कि अगर मैं दोस्तों लोडिंग अगर आपका पॉइंट लोड है तो बीएमडी जीरो डिग्री और ट्रेंगुलर वन डिग्री। अगर लोडिंग का डायरेक्शन सॉरी लोडिंग आपका अगर जीरो डिग्री है तो एस एफ डी वन डिग्री बी एम डी टू डिग्री। अगर लोडिंग आपका वन डिग्री है तो एस एफ डी टू डिग्री बी एम डी थ्री डिग्री। सिंपल सा बात है। यानी इससे एक पॉइंट निष्कर्ष निकलता है मेरे दोस्तों कि अगर इससे एक बात का पता चलता है मेरे दोस्तों कि अगर आपका लोडिंग एन डिग्री है तो एस एफ डी एन प्लस वन डिग्री आएगा और मेरे दोस्तों बी एम डी एन प्लस टू डिग्री आएगा। यही पॉइंट पता चलता। उसके बाद बताए थे कि जिस जहां पर आपका पॉइंट लोड आता है वहां पर शियर फोर्स सडनली चेंज करता है। अब हम चलते हैं बनाने की कोशिश करते हैं। यही सब आपके 12-13 पॉइंट थे। यही आपके 12-13 पॉइंट थे मेरे दोस्तों जिस पॉइंट में आपको पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सपोज आपके सामने एक मेरे दोस्तों कैंटिलीवर बीम है। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ की बात करें मेरे भाई तो 3 मीटर है और लोड की बात करें तो 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी और लोड सी। इसको मेरे दोस्तों इसे हमें एस एफ डी और हमको बी एम डी ड्रा करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमको अगर एस एफ डी ड्रा करना होगा तो हमको सपोर्ट रिएक्शन चाहिए। तो हम कैसे इस बीम का सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बताइए इस बीम का सपोर्ट सिर्फ एक है। इस बीम को कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम मीन्स एक एंड फिक्स और एक एंड फ्रीली इस तरह से लटका हुआ। पता नहीं क्या हो गया। तो मेरे दोस्तों बीम को बैलेंस करने के लिए जितना ऊपर से लोड आएगा उतना ही डाउनवर्ड से लोड लगाना पड़ेगा। बीम बैलेंस करना है हमें, स्ट्रक्चर को बैलेंस करना है। जितना अपवर्ड से लोड आ रहा है उतना ही डाउनवर्ड से लोड देना होगा। इस बीम पे अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ 30 किलो न्यूटन यानी 30 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो मेरे दोस्तों हमको डाउनवर्ड से भी 30 किलो न्यूटन का लोड देना होगा। तो डाउनवर्ड से जब 30 किलो न्यूटन का लोड देंगे यह बीम का एंड फ्रीली है, इस पे कोई सपोर्ट नहीं है। यानी टोटल का टोटल यही सपोर्ट आपको डाउनवर्ड से लोड देगा ताकि बीम को बैलेंस कर सके। सिंपल सा बात है। क्या हो गया? टोटल का टोटल मेरे दोस्तों यही सपोर्ट आपको इस लोड को रजिस्ट करेगा। तो यानी 30 का अगर ऊपर से आ रहा है मेरे दोस्तों ये सपोर्ट की वजह से आ रहे आएगा और 30 अगर ऊपर से आ रहा मेरे भाई तो हमको डाउनवर्ड से भी 30 देना होगा। तो हम डायरेक्शन डाउनवर्ड का 30 किलो न्यूटन दे। बात आता है मेरे दोस्तों 30 किलो न्यूटन अपवर्ड हम भेज रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 30 किलो न्यूटन हम अपवर्ड दे दिए यानी हमको सपोर्ट रिएक्शन तो फाइंड आउट हो गया सर। अब हम चलते हैं सपोर्ट रिएक्शन, अब एस एफ डी ड्रा करते हैं।
एसएफडी चाहे बीएमडी, उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम मेरे भाई एसएफडी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एसएफडी के लिए हमें सपोर्ट रिएक्शन चाहिए जो हमें प्राप्त हो गए हैं, फाउंड हो गए हैं, तो 30 किलोन्यूटन हमको सपोर्ट रिएक्शन। अब हमें ये पता नहीं है कि हम रेफरेंस पॉइंट के अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ध्यान से सुनना, रेफरेंस पॉइंट के अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव होते हैं। तो मेरे दोस्तों 30 किलोन्यूटन का लोड है, इसका डायरेक्शन अगर बोले तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, या सपोर्ट रिएक्शन जो है मेरे दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जाए तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो होगा मेरे भाई वह पॉजिटिव होगा। और कहाँ तक होगा? 30 किलो न्यूटन पॉजिटिव जाएगा। हमने ये बताया था कि जब भी आपका अगर किसी तरह का बीम है उस पर पॉइंट लोड आता है, कंसंट्रेटिंग लोड आता है, उस सिचुएशन में उसका जो एसएफडी है वह 0 डिग्री यानी रेक्टेंगुलर बनता है। तो यहाँ तक मेरे दोस्तों, यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है, यहाँ तक इस सब यहाँ इस मेंबर में एसी मेंबर में कोई भी लोड नहीं है, यह मेंबर यह सडनली आएगा रेक्टेंगुलर की तरह। और 30 किलोमीटर अगर डाउनलोड है मेरे दोस्तों, तो इसको 30 का डाउनलोड भेज देंगे, यह बीम हो गया आपका बैलेंस, यानी यही बीम का एसएफडी है मेरे दोस्तों, पॉजिटिव में एसएफडी बीम का यही है मेरे भाई मेरे दोस्त। अब बात करते हैं बीएमडी का। तो बीएमडी निकालने के लिए मेरे दोस्तों हम सबसे पहले मूवमेंट, बीम के मूवमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। यह बीम है, आप किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, हम मूवमेंट ए ले रहे हैं, और जिस पॉइंट से मूवमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे मूवमेंट 0 होता है, क्योंकि उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ए पर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो ये तो खत्म हो गया, बच गया आपका 30 का। तो 30 का हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरे दोस्तों मान लेते हैं 1.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर का डिस्टेंस है। 30 का लोड आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस आपका 1.5 मीटर है, इधर लोड नहीं है, खत्म का है। बात करते हैं अब इसका डायरेक्शन कैसे ले, बेंडिंग मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे ले। तो लोडिंग का डायरेक्शन मेरे दोस्तों डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में क्या बताए थे, हॉगिंग, और हॉगिंग को माइनस कंसीडर करते हैं मेरे दोस्तों, तो मूवमेंट ए पर जो आएगा मेरे दोस्तों वो -45 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब बीएमडी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव, तो मेरे दोस्तों ये 45 ए पॉइंट पे मूवमेंट आया है, तो यह 45 चला आएगा नीचे। बात करते हैं हम आपको यह भी बताए थे, अगर बीम पे पॉइंट लोड है, बीम पे कंस्टेटिक लोड है, उस सिचुएशन में एसएफडी 0 डिग्री और 1 डिग्री, तो 1 डिग्री आएगा मेरे दोस्तों यहीं तक आएगा, क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं है, मेंबर कोई भी लोड को रजिस्ट नहीं कर रहा, तो यहीं तक आएगा मेरे दोस्तों, डाउनवर्ड में आएगा। यही आपका मेरे भाई बीएमडी बन गया है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, अगर आपका कैंटिलीवर बीम रहे, चाहे किसी भी तरह का बीम रहे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस आपका बीम रहना चाहिए, ठीक, बस आपका बीम रहना चाहिए। तो मेरे दोस्तों यही आपका एसएफडी और बीएमडी बन गया, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और हम एग्जांपल से समझते हैं, ये तो था कि बीम के सपोर्ट में पॉइंट लोड आ रहा है, अब यही बीम हम लेंगे और यही डिस्टेंस, अब यही लोड, लेकिन हम कंसीडर करेंगे कहाँ, इंड पोर्शन पे, यानी जहां आपका फ्रीली बीम मूव कर रहा है उस पॉइंट पे लोड जब लगाते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए क्या ना, बोलने से प्रेशर बनता है ना, और प्रेशर से खांसी, पता नहीं क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मेरे भाई। हमने बोला यही बीम आपके सामने रहेगा, एक कैंटिलीवर बीम रहेगा, और यही डिस्टेंस आपके सामने रहेंगे, यानी कि 3 मीटर। अंतर यही रहेगा मेरे दोस्तों कि लोड जो लगेगा 30 किलो न्यूटन का वो पॉइंट बी पे लगेगा, फ्री इंड पे लगेगा।
तो मेरे दोस्तों हम एक ही चीज जानते हैं, एसएफडी बीएमडी बनाना है हमें सपोर्ट रिएक्शन चाहिए। इस बीम पे अपवर्ड से 30 किलोमीटर का लोड आ रहा है या बीम भी डाउनवर्ड से 30 किलोमीटर का लोड देगा, लेकिन सपोर्ट तो यही सिर्फ है, तो यही सपोर्ट इस लोड को रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे दोस्तों इस बीम पे लोड जो आएगा वह 30 का ही आएगा और आर ए जो आपका आएगा वह 30 किलो न्यूटन का आएगा। अपवर्ड से 30 दे रहा है मेरे दोस्त, हम डाउनवर्ड से भी 30 देंगे, यह बीम बैलेंस हो गया। अब हमें मेरे दोस्तों एसएफडी और बीएमडी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए, हमने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। मेरे भाई हम समझने की कोशिश करते हैं, मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर का लोड एसएफडी में देखना है, एसएफडी यानी शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते समय उसके डायरेक्शन को देखना है और डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ये मेरे दोस्तों जा रहा है क्लॉकवाइज तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और रेफरेंस पॉइंट की अपवर्ड पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, तो ये मेरे दोस्तों 30 किलोमीटर का आ गया। इस मेंबर में अभी मेंबर में कोई भी लोड नहीं है, मेंबर सडनली आएगा और 30 का डाउनवर्ड आना, तो 30 का डाउनवर्ड आ जाएगा मेरे भाई। इस तरह से आपका यह मेरे भाई एसएफडी बन गया। अब हमें बीएमडी बनाने के लिए हमें मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, हम मूवमेंट ए से कंसीडर करते हैं और जिस पॉइंट से मूवमेंट कंसीडर करते हैं उस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो होता है हम जानते हैं, तो मूवमेंट ए इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि फोर्स जीरो है, तो इस पोर्शन में जीरो आ जाएगा और यह मेंबर में 30 का लोड है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 3 मीटर है। अब बात करते हैं इसकी, इसका तो पॉजिटिव आ गया लेकिन इसका डायरेक्शन की बात करते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए यह लोड का जो डायरेक्शन है वह अपवर्ड है और अपवर्ड मिस सैगिंग, सैगिंग मिस पॉजिटिव और यह लोड का डायरेक्शन मेरे दोस्त डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मिस हॉगिंग, हॉगिंग मिस माइनस, यानी मेरे भाई एम ए जो आ गया -90 किलो न्यूटन मीटर आ गया। मेरा भाई इस पोर्शन में अगर हम देखा जाए तो -90 किलोन्यूटन मीटर आ गया, यह मूवमेंट आपका देखने को मिलता है, यानी मेरे दोस्तों हमें डाउनवर्ड जाना होगा तो -90 किलोन्यूटन का हम डाउनवर्ड में आ चुके। पॉइंट लोड के केस में एसएफडी आपका 0 डिग्री और बीएमडी आपका 1 डिग्री, यानी लोड मेरा यहाँ पर है, इस मेंबर में पूरे मेंबर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तक मेरे दोस्तों आ जाएगा। बात करें अगर हम मेरे दोस्तों यह 0 डिग्री है, अगर बात करें मेरे दोस्तों यह 1 डिग्री है, इसको आप ट्रायंगल भी बोलते हैं और इसको आप रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, ये सभी को पता होगा इस बात को, यानी एक चीज तो कॉमन है मेरे दोस्तों इस पॉइंट से। ये दो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लोडिंग के डायरेक्शन, लोडिंग के पोजीशन पे कोई डिपेंड नहीं करता है, लोड कहीं भी लगे उससे कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्तों, यानी लोड किसी भी पोजीशंस में लगे, 3 मीटर 2 मीटर कहीं भी लोड लगे उससे इसको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब है लोडिंग आपका कौन सा है, पॉइंट लोड है, यूडीएल है, मतलब जो ये रेक्टेंगुलर है मेरे दोस्तों इसको आप यूडीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ट्रायंगल को आप यूवीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी बोला जाता है। तो बात हम करते हैं मेरे दोस्तों इस तरह से था तो यह आपको देखने को मिला। अब हम एक और एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं अगर बीम सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, चाहे हम समझने की कोशिश करें कैंटिलीवर बीम में या सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं आप सिंपली सपोर्टेड बीम का, कहें कैंटिलीवर बीम दो हो चुका, बहुत ज़्यादा हो चुका, अब आपके ऊपर है आप कितना एक्सरसाइज रिवाइज करते हैं। देखिए ये सब जो है मेरे दोस्तों रिवाइज पे डिपेंड करता है, आपको रिवाइज कितना आप कर रहे हैं। और हम ये भी एक बात तो जानते हैं कि आपको अगर हिंज बोल दे मेरे दोस्त, देखिए ये जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं ये पॉइंट से आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मान लीजिए आपको ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक हिंज रोलर और एक हिंज, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एंड हिंज और एक एंड रोलर होता है, लाइक दिस सिंपली सपोर्टेड बीम एक एंड हिंज और एक एंड सिंपली सपोर्टेड बीम एक एंड हिंज और एक एंड रोलर है मेरे दोस्तों, और इससे पूछते हैं आपको मूवमेंट निकालने के लिए एम ए मूवमेंट या एम बी मूवमेंट, ए पॉइंट बी पॉइंट लोड लग रहा है 40 किलो न्यूटन का 2 मीटर यहाँ से 2 मीटर यहाँ से,
आपसे अगर ऐसा एग्जांपल देख के मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ दे कि मूवमेंट ए पे क्या होगा, मूवमेंट बी पे क्या होगा, मेरे दोस्तों मूवमेंट ए यानी जहां भी आपको पिन सपोर्ट देखे, जहां भी आपको पिन सपोर्ट देखे वहां पर मूवमेंट हमेशा जीरो होता है, चाहे किसी भी तरह के स्ट्रक्चर हो, पिन सपोर्ट पे मूवमेंट जीरो होता है। अब आप बोलेंगे सर पिन कहाँ है, तो देखिए मेरे दोस्तों हिंज और रोलर हमेशा पिन से कनेक्टेड होता है, लाइक दिस बीम या बीम है, इस पे एक रोलर की तरह है, एक हिंज की तरह है मेरे दोस्तों। यह मेंबर जो कनेक्टेड होते हैं सपोर्ट से, यानी बीम जो सपोर्ट से कनेक्ट होगा मेरे भाई, वह एक हिंज की बदौलत सपोर्ट होता है, और हिंज से बदौलत अगर कनेक्ट होगा तो जब इस पे लोड आएगा तो मूवमेंट इस तरह से मूव कर जाएगा बीम सपोर्ट से, तो इसी कारण मूवमेंट जीरो होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आप देखते के साथ आंसर मार सकते हैं। अब हम चलते हैं एसएफडी बीएमडी ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए यह एग्जांपल है, एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक एंड मेरे दोस्तों रोलर का है, तो एक एंड हिंज का है, जिसपे अगर बात करें मेरे भाई 40 किलोमीटर का लोड लग रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 मीटर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 मीटर है, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी। मेरे भाई सबसे पहले हम जानते हैं एसएफडी बनाने के लिए हमको सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, तो मेरे भाई ऊपर से अगर 40 किलोमीटर का लोड आ रहा है तो डाउनवर्ड से भी 40 किलोमीटर लोड देंगे तो बीम बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बात आता है यहाँ पे दो सपोर्ट है मेरे दोस्तों, तो ये जब दोनों सपोर्ट है मेरे दोस्तों तो ये दोनों सपोर्ट ही लोड को रजिस्ट करेंगे, यानी दोनों सपोर्ट मिलकर 40 किलोमीटर का डाउनवर्ड से लोड लाएंगे, क्योंकि अपवर्ड से आ रहा है तो बैलेंस करना होगा, यानी इस पे जो रिएक्शन आएगा मेरे भाई आरए आएगा और आरबी आने की कोशिश करेगा। इसको हम आरए आरबी निकालने का दो तरह से हम आपको बताएंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम लॉन्ग मैथड से समझते हैं कि आरए आरबी कैसे निकलता है। मेरे भाई हम एक ही चीज जानते हैं, अगर रिएक्शन निकालना शॉर्ट में फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस बटे में टोटल डिस्टेंस, मेरे भाई फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस बटे में टोटल डिस्टेंस, ये सपोर्ट रिएक्शन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस, फोर्स मेरा 40 का है मेरे भाई, इसके अपोजिट 2 मीटर है, टोटल अगर बात करें 4 मीटर है, फोर्स मेरा 40 का है, इसके अपोजिट 2 है, टोटल बात करें 4 है, मेरे दोस्तों 4 से 40 10 बार में और 10 से 20 20 किलोमीटर का लोड ये सपोर्ट रजिस्ट करेगा और 20 किलोमीटर का लोड ये सपोर्ट रजिस्ट करेगा, यानी दोनों सपोर्ट मिलके डाउनवर्ड से 20-20 लोड देने का काम करेंगे, क्योंकि ऊपर से अगर 40 आ रहा है मेरे भाई तो यह डाउनवर्ड से भी 40 देने का काम करेंगे। यह जो लोडिंग कंडीशन है वह 40 किलोमीटर का है, यानी डाउनवर्ड से जितना आ रहा है मेरे भाई अपवर्ड से उतना ही देने का कोशिश करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मेरे दोस्तों अब अगर इस तरह से भी नहीं निकालना चाहते हो तो एक चीज देखो कि बीम पे 40 का लोड आ रहा है मेरे भाई और बीम इक्वल सपोर्ट से डिस्टेंस पे लोड लग रहा है, समझने की कोशिश करो मेरे भाई, 40 का ऊपर से लोड आ रहा है और यह लोड सपोर्ट से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी इक्विलिब्रियम के कंडीशंस में है, बराबर के कंडीशन में, इस सपोर्ट से भी लोड लग रहा है 2 मीटर का डिस्टेंस पे, इस सपोर्ट से भी लोड लग रहा है 2 मीटर, मतलब लोड जो लग रहा है मिडिल में लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है, तो इसके कारण डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि दोनों सपोर्ट आधा आधा लोड को रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। समझिएगा मेरे भाई, यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे भाई, इस लोड पे यानी इस पे लोड लग रहा है मेरे भाई 60 किलोमीटर का, इस सपोर्ट से 3 मीटर का डिस्टेंस, इस सपोर्ट से 3 मीटर का डिस्टेंस, ठीक मेरे भाई। यह जो लोड लग रहा है पॉइंट सी पे लग रहा है, क्या इस बीम का पॉइंट सी सेंट्रल पार्ट है कि नहीं, इस बीम एबी बीम का जो पॉइंट सी है मेरे दोस्तों वह सेंट्रल पार्ट है कि नहीं, एकदम है, तो यह जो सपोर्ट इस लोड को रजिस्ट करेंगे वह आधा आधा लोड को रजिस्ट कर देंगे अपवर्ड में, 30-30 का भेज देंगे, 60 हो जाएगा, समझे। यानी एक और अगर एग्जांपल की हम बात करें तो मान लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सब जो है ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, दे दिया जाए आप तो क्या कीजिए बताइए। यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहां से भी 5 मीटर का डिस्टेंस है,
क्या इस बीम ए बी का सी पॉइंट जो है वह सेंट्रल पार्ट है कि नहीं है, यानी सपोर्ट ए से सपोर्ट ए से पॉइंट सी के बीच डिस्टेंस की बात करें मेरे दोस्तों तो 5 मीटर है, और वही बी से बात करें तो 5 मीटर है, यानी कि सी पॉइंट आपका सेंट्रल है। तो 80 का अगर अपवर्ड से लोड आ रहा है, यह दोनों सपोर्ट मिलके 40 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड से लोड देने का काम करेंगे। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम समझते हैं इस पे, यानी अब हम इसका एसएफबी बीएमडी ड्रा करते हैं। तो एसएफबी के लिए मेरे दोस्तों सपोर्ट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, सो तो हमें सपोर्ट रिएक्शन मिल चुका है, यानी मेरे भाई सपोर्ट रिएक्शन हमें मिल चुका है। अब हम चलते हैं सपोर्ट रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक, निकालने की क्या कोशिश करेंगे, निकल चुका है। तो यह एसएफबी बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर बीएमडी ड्रा करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों इसका लोड का डायरेक्शन अपवर्ड है, यह भी लोड का डायरेक्शन अपवर्ड है, यह जा रहा है मेरे दोस्तों क्लॉकवाइज इस तरह से, तो 20 किलोमीटर हम पॉजिटिव जाएंगे तो हम चले गए। इस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं है, यहां तक नहीं है, आ जाएंगे मेरे दोस्तों 40 का डाउनवर्ड लोड आ रहा है, तो यहां से यहां तक तो 20 का है, और वह 20 माइनस में हमको जाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना। और इस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं है, इस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं है, नहीं है, 20 का हमें अपवर्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, तो हम चले गए 20 का, यानी ये बीम जो है मेरे दोस्तों वह एसएफबी बन चुका है आपका। अब बात रही बीएमडी का, तो बीएमडी के लिए मेरे दोस्तों हमको चाहिए मोमेंट, हम मोमेंट एफ निकाले तो हम जानते हैं मोमेंट ए 0 होगा और मोमेंट बी 0 होगा, यानी ये दोनों पॉइंट पे मोमेंट आपका 0 होगा, तो बच गया मोमेंट सी से निकालते हैं इस पॉइंट से। तो मेरे दोस्तों इस पॉइंट से अगर आगे बढ़े तो 20 का लोड आ रहा है और डिस्टेंस 2 मीटर है। अब बात आता है मेरे दोस्तों कि लोडिंग अपवर्ड डायरेक्शंस में है, तो अपवर्ड डायरेक्शंस में जब लोड जाएगा मेरे दोस्तों तो सैगिंग होगा, और सैगिंग मीन्स पॉजिटिव होगा, तो आपका मेरे दोस्तों इस सी पॉइंट पे 40 का लोड आएगा, यानी 40 किलो न्यूटन मीटर का लोड आएगा मेरे दोस्तों, और यह इस तरह से एक ट्रायंगल का फॉर्म दे देगा। यानी आपको हम बताए थे मेरे दोस्तों कि अगर आपका पॉइंट लोड है उस केस में मेरे दोस्तों एसएफडी 0 डिग्री बोले तो रेक्टेंगुलर या बोले तो ट्रायंगुलर होगा, देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप एसएफडी बीएमडी किसी भी बीम का ड्रा कर सकते हैं। बात अगर हम करें मेरे भाई कि और एक और कॉन्सेप्ट आपको हम बताने की कोशिश किए थे, अगर बीम पे अगर बीम पे पॉइंट मोमेंट लगे, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ सिचुएशन कुछ और चल रहा है, अगर बीम पे पॉइंट लोड लगे मेरे भाई, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर लविंग, बाय बाय।